नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 38 लेकर के उपस्थित हुई। यह दिनांक 6 अक्टूबर 2021 के लिए है। हमारा जो टॉपिक है आज का, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों को प्रस्तुत कर कैसे करें। आप इससे पहले आंकड़े समझ गए थे, आंकड़े किसे कहते हैं, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए किए प्राप्त की इकट्ठा किए गए सूचनाओं को हम आंकड़ा कहते हैं। यदि आंकड़े को हम खुद इकट्ठा करते, स्वयं उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम स्वयं इकट्ठा करते हैं तो उसे हम प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं, और कहीं और से इकट्ठा किए गए आंकड़े को हम अपने यूज में करते हैं तो उसे हम गौण आंकड़ा कहते हैं। अब ये आंकड़ा तो इकट्ठा कर लिया, अब जैसे नीचे दिए गए 50 नंबर के एक टेस्ट में कक्षा 9 के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक ऐसे लिख दिया गया, 50 बच्चों का लिख दिया गया। तो इसे लिख लेने से हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे, ये देख करके पजल हो जाएंगे जो कि हमें मतलब क्या है, कितने बच्चों ने कैसा अंक लाया, उसके लिए हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो आंकड़ा है उसे यथाप्राप्त आंकड़ा कहते हैं, यानी केवल आंकड़े को एकत्रित कर लेने से हमारा अर्थपूर्ण प्रयोग नहीं होता है। तो इस रूप से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को यथाप्राप्त आंकड़ा कहते हैं, यानी रोल नंबर वाइज मान लीजिए जो कि इस तरह के अंक लाए तो ये यथाप्राप्त आंकड़ा कहलाया। अब इसे ही हम यदि व्यवस्थित रूप से करें तो बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त कर सक मिल सकती है। तो देखिए, ये ऊपर दिए गए लक्षणों मतलब आंकड़ों को हम बढ़ते या घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में जिसको हम आरोही और या असेंडिंग कहते हैं, या घटते यानी अवरोही या डिसेंडिंग कहते, इस क्रम में सजा लेते हैं। तो हमें सबसे छोटे अंक से शुरू करते हुए सबसे बड़े अंक की तरफ जाते हैं। तो ये लिख लेने से हमें ये पता चल जाता है जो कि सबसे कम अंक कौन लाया, कितने इसको हम न्यूनतम अंक कहेंगे, न्यूनतम प्राप्तांक और अधिकतम प्राप्तांक ये है। तो अधिकतम प्राप्तांक 41 और न्यूनतम प्राप्तांक 2 प्राप्त हो गया। तो अधिकतम प्राप्तांक में से न्यूनतम प्राप्तांक यानी अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को हम परिसर कहते हैं, रेंज कहते हैं, यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो रेंज आपका निकल जाएगा 39। ठीक है, अब और समझने के लिए उसको हम इस तरह से यदि लगाते हैं जिसको हम अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ों को अधिक समझने के लिए उनसे अधिक महत्वपूर्ण गणनाओं के लिए हम एक सारणी के रूप में लिख सकते हैं जिसे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। इसमें जो भी अंक हैं वो लिख दिए, सारे अंक लिखे जाएंगे। अब दो कितनी बार आया है तो उसके लिए मिलान चिन्ह, जैसे मिलान चिन्ह में हम 1 2 3 4 चार लगाते हैं और 5 का पैकेट बन जाता है, तो इस तरह से गिनने में आसानी होती, सहूलियत होती है। तो यह मिलान चिन्ह का प्रयोग करके हम इन आंकड़ों को सजाएंगे। ये पूरे पहले 2 लिख दिए, 2 कितनी बार है, फिर 5 है, तो इस तरह से ये 2 फिर 5 ये 12 फिर 17, तो इस तरह से ये सारे सजा दिए तो आपका ये अंक प्राप्त हो गया। तो इसको देख लेने से हमें सिर्फ हमें ये पता चल जाता है जो कि देखने में भी ये अच्छा लग रहा है, और ये मिलान चिन्ह को लिख करके हम विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हम ये भी दे सकते हैं जो कि कितने बच्चे कोई कितने बच्चे कितने अंक पे पास फेल रखा जाएगा, तो फेल वाले बच्चों की संख्या, पास वाले बच्चों की संख्या, कितने परसेंट बच्चे जो हैं अधिक लाए। तो इस जैसा कि आप सारणी में 19 तथा 19-21 के रूप में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5 लगाने के लिए प्रयोग किया गया है इस तरह से, तो ये 5 लगाने के लिए यहाँ 19 और 21 में लगा है चिन्ह, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के आंकड़े को कहते हैं हम अवर्गीकृत आंकड़ा।
ठीक है, अब आइए, हमेशा की तरह आपको सवाल दिए जाते हैं करने के लिए। तो ये कह रहा है, कक्षा 8वीं के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह दिए गए हैं, तो इनको आप अवर्गीकृत आंकड़े में सजाइए। तो यहाँ पे ऐसे एक लिख दीजिए, यहाँ पे हो गया ब्लड ग्रुप या रक्त समूह, रक्त समूह, और इधर हो गया मिलान चिन्ह, और इधर हो गया विद्यार्थियों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पे जानते हैं चार प्रकार के होते हैं, ए बी ओ और ए बी। अब निशान लगाते चलिए, जैसे ए को हमने लगाया तो एक ए, बी यहाँ पे आया, ओ दो बार है तो दो बार ओ, ए बी एक बार है तो ए बी एक बार, फिर ओ तो ओ, फिर ए और तो ए पे लगाइए, ओ तो ओ, बी बी पे लगाएं, फिर ए ए ओ, अब चार है तो पांचवा के लिए पैकेट बन गया, बी बी ए ए ओ, एक दो, फिर ए है, फिर ए बी है, फिर ओ है, फिर ए ए ओ, ए बी, फिर बी, फिर ए, फिर ओ, बी ए, बी ओ। इस तरह से देखिए, अभी हमारे पास पैकेट बन गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कितने, पांच और चार, नौ, यहाँ पे नौ, यहाँ पे छः और पाँच, पाँच 10 दो 12 और 3, तो 9 6 15 और 15 30, तो यहाँ पे टोटल हो गया, यहाँ पे कुल लिखेंगे टोटल 30, तो ये बन गया आपका। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा भी है, दूसरे का भी बनाए। अगला है, 40 परिवार में बच्चों की संख्या के आंकड़े दिए गए हैं, तो इससे आपको बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। पहले वाले में था जो कि ये हमने बना लिया था, इसमें कुछ सवाल भी पूछे गए थे, अधिकतम कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम समूह है। तो यहाँ पे जो हमने बनाया था समूह, तो देखिए अधिकतम जो मिल रहा है ये 12 मिल रहा है, तो ये अधिकतम वाला 12, अधिकतम वाला ये हो गया ओ, ठीक है, सामान्य, और ए बी जो है विरलतम है, विरलतम ए बी है। तो इसी से जब बन जाएगा तो इससे बहुत सारे सवाल के आंसर दिए जा सकते हैं। कौन सा समूह अधिक सामान्य और कौन सा विरलतम है। अब देखिए दूसरे में कह रहा है, 40 बच्चों के लिए यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं, उसके आधार पर बच्चों की संख्या के आधार पर, तो ये यहाँ लिखे बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, यहाँ पे मिलान चिन्ह, और यहाँ पे परिवार, परिवारों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए 0 से लेकर के 4 तक है, तो यहाँ पे 0 1
दो तीन और चार का प्रयोग करें। यह हो गया 0, 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ से हम जो यूज करें, जैसे एक है तो एक पे लगाए निशान, फिर दो, 3 बार 2 है तो 3 बार 2 पे 1, 2, 3, फिर ये 3 बार 1, 1, 2, 2 और 3 बार 1 है तो 1, 3 बार 1, फिर 3 है 1 बार, 2 1 बार, 1 1 बार, फिर 2 1 बार, फिर 3 1 बार, फिर 4 1 बार, फिर 2 0 0 0 0 4 4 2 बार हैं तो 4 4 3 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1, ये 2 2 2 2 2, ये 5 का पैकेट बन जाएगा। फिर 4 4 3 3 2 2 1 1 0 0 2 2 1 1 2 2 4 4 का पैकेट 3 3 4, फिर 4 पे लगाए निशान, 1 1 पे लगाए निशान, फिर 2 2 तो 1 और 2, इस तरह से बन गया। अब देखिए यहाँ पे 4 आ गया, ये 5 और 4 9 आ गया, यहाँ पे 5 3 15 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, और 5 जो काउंटिंग है, ये 5 का पैकेट है तो 5 है यहाँ पे और ये 6, तो कुल मिला करके देखिए 40 हो जाएगा। 5 15 5 20 5 25 और 15 40, यहाँ पे टोटल 40 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें कुल, अगला एक लाइन बना लें, यहाँ पे लिखें टोटल या कुल 40। इस तरह से वर्कशीट है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।